खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के आखिर किस कंटेस्टेंट की तबीयत हुई खराब? जी हाँ, क्या नजर आएंगे कि नहीं? क्या है बुरी अपडेट, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 को लेकर ऑडियंसेस जितने एक्साइटेड हैं उतने ही ज़्यादा मैं आपको बता दूँ कंटेस्टेंट्स भी एंथुजियास्ट हैं, एक्साइटेड हैं और तैयार हैं खतरों से लड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है, आपको बता दूँ कनिका मान जो कि बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, उन्होंने सभी का अपने परफॉर्मेंसेस से दिल जीता है, तो उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनकी तबीयत खराब, ये थोड़ा ख़राब स्थिति हो गई है और कहीं ना कहीं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने आप को ठीक कर सके ताकि वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सके। तो आपको बता दूं कि कनिका गोवन की अगर बात की जाए तो वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के शूट नहीं कर पाई, शूटिंग नहीं हो पाई उनके तरफ से। वो अभी फ़िलहाल लिक्विड पे हैं, तीन दिन से लिक्विड पर हैं और स्टिल कहीं ना कहीं अभी भी वो मैनेज कर रही है कि उनका जो शूट है वेब शो का वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाए। बीमार मतलब तबीयत ख़राब होने के बावजूद वो काम पर असर होने नहीं दे रही है, वो कोशिश कर रही हैं कि कैसे ना कैसे ये जो वेब शो है उनका वो कम्प्लीट हो जाए। तो आपको बताना चाहूँगी कि आज सुबह सुबह कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ जो है वो थोड़ी और ख़राब हुई है और वो शूट से काम से निकल गए, लेकिन उनका जो एक एम्बिशियस नेचर है वो कहीं ना कहीं हेल्थ के वजह से वो नहीं अपना वो कंप्लीट कर पा रही हैं। लेकिन फिर भी वो अभी आराम कर रही हैं ताकि आराम वो करने के बाद पूरी तरीके से स्ट्रॉन्गर तरीके से वो एक्शन में आ जाए फॉर द रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी। तो अभी वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि वो खतरों के खिलाड़ी के लिए जाएं। होप करें, हम भी विश कर रहे हैं फीफा फोर्स कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, उनकी तबीयत अच्छी हो जाए और वो और स्ट्रॉन्गर तरीके से खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के लिए तैयार हो जाए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपके जो विशेष हैं हमें ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिख भेजिए और देखते रहिए फीफा फोर्स इसी तरीके के अपडेट्स।